क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, मजे में। कैसी कट रही है जिंदगी? बढ़िया ना? बढ़िया कटनी चाहिए। अच्छा, आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा, और यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ठीक है ना? उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, उसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को यूट्यूब पे। कैसे हो? सब बढ़िया ना? अच्छा, अब आज बात करता हूँ मोसोनाइट। बहुत लोग कहते हैं भैया मोसोनाइट को है ना आप डायमंड मत बोला करो, चर्चा का विषय है, इसके अंदर राय भी हो सकती है लोगों की। जब हम जर्कन को, क्यूबिक जर्कोनिया को अमेरिकन डायमंड बोल सकते हैं, तो मोसोनाइट को क्यों नहीं बोल सकते? मोसोनाइट की हार्डनेस तो बहुत ज्यादा होती है, 9.25 है, मोज स्केल आता है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। डायमंड की हार्डनेस अगर 10 है तो हमारा मतलब जो हम लोग डील करते हैं अभी मोसोनाइट, उसकी हार्डनेस 9.25 होती है। जर्कन का तो कुछ नहीं होती, एक होती है, ठीक है ना? तो जर्कन से इसका कंपैरिजन नहीं करना। दूसरा, हाँ फर्क होता है, मास फर्क है मोसोनाइट में और डायमंड्स में। चार चीजें होती हैं, दोबारा से बताता हूँ, जर्कन, मोसोनाइट, लैब ग्रोन डायमंड्स और डायमंड्स, रियल डायमंड्स जो नेचुरल फॉर्म में आकर होते हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स, ग्रोन डायमंड्स और एक लैब मेड डायमंड जिसे हम मोसोनाइट कहते हैं, ग्रोन मेड, ठीक है ना? बहुत फर्क है। लैब ग्रोन डायमंड्स में भी दो तरीके की दो तरीके के बनाने का तरीका होता है। जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं, एक होता है CVD, जो आजकल नाम सुनने में आ रहा होगा आपको, CVD होता है, एक फॉर्म होती है, बनाने का तरीका होता है, और एक होता है HPHT। इन दोनों की आपको फुल फॉर्म है ना गूगल के ऊपर मिल जाएगी। HPHT मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के जरिए ग्रो करे जाते हैं डायमंड नेचुरल फॉर्म के अंदर, ठीक है? ये तो क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूँ प्राइसिंग की बात। प्राइसिंग हमारा जो मोसोनाइट हम जिस रेंज में काम करते हैं वो जस्टिफाई करता है, 1,000-2,000-3,000 रुपये के रेट की आइटम है, बढ़िया। इसको आप कंपेयर करोगे रियल डायमंड से, तो इस कंपोजिशन का डी कलर VVS1 एक्सलेंट कट 1,000,000 रुपए कैरेट है। CVD और HPHT जो लैब ग्रोन डायमंड्स होते हैं वो भी 75% लेस करके ही मिलते हैं, तो भी 2,500-3,000 रुपए कैरेट से कम नहीं है, और ये हमारा 1,000-2,000-3,000 पॉकेट फ्रेंडली चीज है जी। फर्क तो होना लाजमी है, वो फर्क है। हमारा जो मोसोनाइट होता है वो सिलिका मिक्स होता है, सिलिका और कार्बन मिक्स होता है। जो रियल डायमंड होते हैं CVD होते हैं प्योर कार्बन फॉर्म में होते हैं, तो दोनों के कलर्स में वाइब्रेशन में बड़ा फर्क होता है। जो मोसोनाइट होता है थोड़ा वाइब्रेंट ज्यादा होता है, रेनबो शेड हल्का सा आता है, तो डायमंड होता है वो प्लेन बिल्कुल क्लियर नजर आता है। फर्क है, पर प्राइसिंग का भी फर्क है। पर क्या हम लोगों को पहनने का अधिकार नहीं है क्या? मिडिल क्लास नहीं होते यार, जे में 10-20 लाख रुपए के डायमंड बड़े बड़े पत्थर क्यों हमें रिकमेंड कर रहा था? रियल पहनो। अब रियल कितना मिलेगा अपनी पॉकेट के हिसाब से? पॉइंटर छोटे छोटे 10-10 सेंट के नहीं है, नहीं है मन पहनने का, मन है बड़े बड़े पत्थर पहनने का। क्यों नहीं जा सकते? हम जाएंगे मोसोनाइट के साथ और मोसोनाइट को डायमंड ही कहेंगे, ठीक है? तो ये आप मेरे से नीचे दिए नंबर पर रॉ भी मंगवा सकते हैं आप हमारे से, और कुछ चीज आपको बनवानी हो 14 या 18 कैरेट में दिल खोल के बनवा सकते हो और बेझिझक होके कह सकते हो हाँ डायमंड पहना है। यार एक बात बताओ ना, जो डेंटिस्ट होते हैं उनको भी डॉक्टर लोग कहते हैं डेंटिस्ट बोला करो, पर डेंटिस्ट भी डॉक्टर ही होते हैं ना, तो यही कहानी है इसकी भी, ठीक है ना? तो शर्माने की जरूरत नहीं है, बेझिझक होके मंगवाओ, बेझिझक होके पहनो, मोसोनाइट इज अ डायमंड। चलो टाटा, बाय बाय।